ये इलीगल हो रहा है ना सर, ये इलीगल हो रहा है ना, ये हो रहा है, ये इलीगल हो रहा है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ ना, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। दहशत गर्दी है, इसके पीछे बंदी है, मारा मारी है, इसके पीछे बंदी है, जो गुंडा गर्दी है, इसके पीछे बंदी है। अगर ये आर्मी और आवाम के दरमियान अगर इश्तियाल और ये आपस में तसादम हो जाता है तो यकीन माने यहाँ जो असलह है अभी सबके पास असलह मौजूद है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यानी POJK की तस्वीरें हैं, जहाँ पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ हंगामा बरपा है। यहाँ लगभग हर एक इलाके में प्रदर्शन हो रहे हैं और आज़ादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान के जबरन कब्जे और अत्याचारों के खिलाफ लोग आर्मी के सामने बेखौफ POJK छोड़ने की आवाज उठा रहे हैं। दरअसल 25 जुलाई को पाकिस्तान सरकार ने यहां चुनाव कराने का ड्रामा रचा था, जिसमें हमेशा की तरह आर्मी ने बूथ कैप्चरिंग कर अपने नए चहेते इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत घोषित करा दी। आगे से अगर किसी ने हमें कहा भाई आप क्या कर रहे थे उधर, तो फिर हम क्या जवाब दें? है ना, है ना, आपका नाम नहीं है, हमारा नाम है, पूछेंगे ना कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर हमारी, हम अपने सीनियर से बात करेंगे ना। फिर इधर इधर पोलिंग स्टेशन पर लेकिन इस बार बरसों से पाकिस्तानी आर्मी के खेल को झेलते आ रहे स्थानीय लोगों ने कब्जाधारी आर्मी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पच्चीस जुलाई के बाद अलग अलग इलाकों में हिंसा में अब तक करीब आधा दर्जन मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 2 PTI कार्यकर्ताओं की मौतें भी शामिल हैं, जबकि एक आर्मी कॉन्वॉय पर भी हमले की खबरें आई हैं। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मूड को भांपते हुए इस बार लोगों की आवाज के साथ वो नेता भी शामिल हो गए हैं जो अब तक पाकिस्तानी आर्मी का साथ निभाते रहे हैं। और गवर्नमेंट से कहता हूं कि इन लोगों को बात करो, वरना हालात खराब हो जाएंगे, यहां लोग मरेंगे। अगर ऐसा ही हुआ जैसे मेरा बाहर कैंप था, इन्होंने अखेड़ के और फेंक दिया, ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने की है यहाँ पे। तो मैं इसकी पर जोर मजामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आजाद कश्मीर के लोग हैं, आजाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी। साफ है कि फर्जी इलेक्शन के बहाने पाकिस्तानी आर्मी ने POJK में बरसों से अत्याचार झेल रहे लोगों को इस बार ऐसा जगाया है कि जिसको लंबे समय तक दबा पाना पाकिस्तान के लिए अब आसान नहीं होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार। इसकी हिफाजत, इसकी खातर, इसकी खातर शेर वतन, शेर वतन।